यूपी के बलिया में जिला कारागार से कैदी फरार हो गया। हत्या, लूट और डकैती के मामले में सजा काट रहा कैदू बेचूराम जेल की रोशनदान की अग्रिल काटकर रस्सी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। जिला कारागार पर जेल के अधिकारियों की हलचल की तस्वीरें यूपी के बलिया जिला कारागार की हैं, जहां आज एक सजा काट कैदी बेचूराम तनाही वाले बैरक के रोशनदान में लगे लोहे की दीवार फांदकर फरार हो गया। फाइल फोटो की तस्वीर में दिखाई दे रहा ये एक शख्स फरार कैदी बेचूराम की है, जो लूट, हत्या और डकैती के मामले में 2 साल से सजा काट रहा था। पुलिस की माने तो हत्या, लूट और डकैती के मामले में 2 साल से सजा काट रहा पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये फरार कैदी है, उसका नाम बेचूराम है और ये कैदी लूट, हत्या इत्यादि कई मुकदमों में जेल में सजा काट रहा था और पिछले 2 साल से जेल में निरुद्ध था। रात्रि में ये किसी प्रकार से अपनी सेल से भाग गया है। इसमें जेलर द्वारा सुबह सूचना दी गई, जिस पर कि थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इसकी गिरफ्तारी हेतु 5 टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसे गिरफ्तार किया जाएगा। आज दिनांक 5 जनवरी 2021 को जिला जेल बलिया से एक छात्र अपराधी बेचूराम पुत्र ढोंडाराम निवासी बिगही थाना बांसडी रोड फरार हो गया है। यह अपराधी दिनांक 5 जून 2018 से विभिन्न मामलों में कारागार में न्यायिक अवरक्षा में निरुद्ध था। इसे तन्हाई बैरक में रखा गया था। अंदर जाकर निरीक्षण करने पर पाया गया कि ये रोशनदान की ग्रिल काटकर और उसके बाद पीछे एक रस्सी के सहारे दीवार फांदकर भाग गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस अपराधी बेचूराम की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।